नमस्कार, मैं हूं परिधि और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। विक्रम उत्सव के तहत देवी दुर्गा के विभिन्न अवतारों पर केंद्रित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री व नृत्यांगना हेमा मालिनी और उनके दल के सदस्यों ने दी। लाइट एंड साउंड के माध्यम से प्रस्तुत नृत्य नाटिका को देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे। हेमा मालिनी ने करीब डेढ़ घंटे की नृत्य प्रस्तुति दुर्गा व शिव की अनेक कथाओं पर आधारित रही, जिसे दर्शकों ने बहुत सराहा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देर रात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे। महाशिवरात्रि पर देश का एकमात्र डमरू दल भोपाल में भव्य चल समारोह निकाला जा रहा है। चल समारोह कर्फ्यू वाली माता मंदिर सोमवारा से शुरू हुआ। इसमें डमरू दल के 111 से ज्यादा सदस्य पारंपरिक वेशभूषा में कीर्तन करते हुए चले। चल समारोह में अयोध्या से आए भगवान श्री राम का पुष्पक विमान भी शामिल किया गया। इस चल समारोह में अयोध्या से लाए गए भगवान श्री राम का पुष्पक विमान विशेष तौर पर शामिल किया गया। महाशिवरात्रि पर्व पर बाबा महाकाल को 4 किलो 800 ग्राम वजन का अभिषेक जल पात्र भेंट किया गया। ये भेंट इंदौर के श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होने पर चढ़ाई गई है। मंदिर के पुजारी महेश गुरु की प्रेरणा से यह दान किया गया। श्रद्धालु ने पूर्व में भी बाबा को चांदी के बेलपत्र की माला अर्पित की थी। मंदिर समिति ने दानदाता का सम्मान भी किया है। इंदौर के यजमान है, हर वर्ष कुछ चांदी का रजत दान करते हैं। इसके पहले भी शिवरात्रि पे बड़े बिलपत्र की 108 बड़े बिलपत्र की माला दान की थी, और इस बार इनकी इच्छा थी कि कुछ बड़ा करें, तो बाबा महाकाल की प्रेरणा से इन्होंने अभिषेक पात्र बनाया है, जो कि 4 किलो 800 ग्राम का है और उसकी कुल लागत 4 लाख है। उसकी विशेषता ये है कि वो अहमदाबाद से बनवाया है और उस पर 108 बार ओम नमः शिवाय लिखा गया है। उनकी भक्त की मनोकामना पूर्ण हुई है। इंदौर के भक्त है, गौरव वर्मा इनका नाम है। इनकी मनोकामना पूर्ण है, इनकी इच्छा थी कि भगवान को शिवरात्रि के दिन भेंट करें, तो उन्हें बाबा को अर्पण किया है। बस ऐसे ही बाबा का आशीर्वाद रहता है। मनोकामना कुछ सोची थी, काम हुआ, बाबा ने बुला लिया और उसको अर्पण कर दिया। ये चांदी का है, ये अभिषेक पात्र बोले उसको, वो अहमदाबाद से बनवाया स्पेशल, वहाँ से लेके आए बाबा के लिए। बाकी बाबा ने बुलवाया, हमने क्या लिखा है। मोदी की गारंटी आकांक्षा संग्रहण अभियान के अंतर्गत देश भर से आमजनों के सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसी को लेकर जिला भाजपा कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन रखा गया। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने विगत 10 वर्षों में केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने विकास के अनगिनत कार्य किए तथा भविष्य में 2047 का वो विकसित भारत जो बनने वाला है, उसके सुझावों को लेकर ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मोदी की गारंटी का आकांक्षा संग्रहण करने का एक जिला स्तर पर एक अभियान चालू हो रहा है, जिस पर पिछले 10 सालों में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं और भविष्य में 2047 में जो विकसित भारत जो भारत बनने वाला है, उसको लेकर सुझाव के आमंत्रण का भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और उसी के तहत हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक मोबाइल नंबर जारी करा है, जिसमें जनता के द्वारा, समाजों के द्वारा, हमारे सभी वर्गों के द्वारा 9090902024 ये इस नंबर पर मिस कॉल करके अपने क्षेत्र के लिए और देश के विकास के लिए अपने सुझाव उसमें दे सकता है। ये पहला ऐसा अभिनव प्रयास है जिसके कारण से जनता को सीधे भाजपा के संकल्प पत्र के साथ में और विकसित भारत के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं वो देने के लिए सुविधा बनी है। दूसरा था कि मोबाइल पर नमो ऐप चलता है, नमो पर भी एक वर्जन है जिसपे हम अपने सुझाव उसमें लिख कर डाल सकते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार को पुनः स्थापित करने में योगदान देकर मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने वाली पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती ने पत्रकारों को बताया है कि सनातन धर्म का झंडा युगों युगों से फहराया जाता है, किसी का ऐसा सोचना कि मेरी वजह से हो पाया है ये कोरा भ्रम है। सनातन का झंडा आप लोग फैला रहे हो, भारतवंशी फैला रहे हैं, स्त्री पुरुष फैला रहे हैं, गंगा में स्नान करने वाले लोगों की भीड़ फैला रही है, रामलला के दर्शन के लिए भीड़ बंद ही नहीं हो रही है। सनातन का झंडा हम भगवान नहीं हैं कि हमारी वजह से सनातन का झंडा फैला रहा हो। अगर हम ऐसा सोच लेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। सनातन का झंडा जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब भी फैला रहा था, जब औरंगजेब चोटियाँ और जनेऊ काट रहा था तभी करोड़ों कंठों में चोटियाँ और जनेऊ थे। इसलिए कोई दावा ना कर दे कि मेरी वजह से सनातन का झंडा फहरा रहा है, फिर तो वो टिटहरी के जैसा हो जाएगा जो सोचती है मेरी टांगों पे आसमान टिका हुआ है। मैं तो बीच में हूँ, नाव चला रही हूँ, इसलिए किनारे पे करने। प्रज्ञा दीदी की जहाँ तक बात है,
प्रज्ञा दीदी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है हम लोगों के लिए। जेल में बहुत यातनाएं झेली हैं। आज अगर हम में से बहुत सारे लोग जेल में नहीं हैं तो उसका कारण प्रज्ञा दीदी है। उनको बहुत टॉर्चर किया गया था कि वो दो चार नाम ले दें, जिसमें से एक नाम मेरा भी था और भी कुछ अन्य संगठनों के वरिष्ठ बहुत बड़े बड़े महापुरुषों के नाम थे कि इनके नाम ले दो कि ये सब भगवा आतंकवाद की रचना कर रहे हैं, जिसके दिग्विजय सिंह सबसे बड़े वकील थे भारत के कि एक भगवा आतंकवाद पैदा हो रहा है देश के अंदर। एक कल्पना उनको ना एक इल्यूजन हो गया था और उस इल्यूजन को वो सत्यता में बदलना चाहते थे। यहाँ कहाँ भगवा आतंकवाद करने की जरूरत है, कहाँ हुआ शिलान्यास हुआ तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ तो क्या हुआ, और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो क्या हुआ, देश ने एकजुटता के साथ सुना है। तो इसलिए दीदी माँ का टिकट कटा है। दीदी माँ बोल रही थी तो वो सुन भी रही थी, मैं उनको दीदी माँ कहती हूँ, वो आई भी मुझसे छोटी लेकिन उनके चरण छूती हूँ क्योंकि उनने बहुत, आप समझ नहीं सकते साहब, उस महिला ने बहुत कष्ट उठाए हैं। तो मैं तो उनको ये कहूँगी कि वो हम सबको क्षमा करें। महाशिवरात्रि के अवसर पर अशोकनगर के नेहरू पार्क स्थित शिव गौरी मंदिर से विशाल शिव बारात निकाली गई। शिव बारात में महाकाल की पालकी और शिव स्वरूप श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। पूर्वाल महिला मंडल शामकर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं शिवरात्रि महापर्व के पावन अवसर पर आज सिविल हॉस्पिटल शामकर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। सर्वप्रथम नगर की आराध्य देवी मां महिषासुर मर्दिनी देवी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करने के पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। शिवरात्रि पर पुलिस थाने के सामने स्थित गोकुल धाम कॉलोनी में नवनिर्मित मंदिर में गोकुलेश्वर महादेव के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से संपन्न हुई है। मंदिर के शिखर पर कलश की स्थापना की गई है। एक दिन पूर्व मक्सी नगर में शिव परिवार का जल समारोह निकाला गया। शुक्रवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर मक्सी के समीपस्थ सिरोलिया में स्थित भगवान झरनेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। यहां हजारों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि मक्सी में 7 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में झरनेश्वर महादेव मंदिर पहाड़ी के नीचे बसा हुआ है। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत डिंडोरी सीमा में स्थित अमलेश्वर धाम में महाशिवरात्रि का पर्व विधि विधान के साथ मनाया गया। महाशिवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर भगत गिरी बच्चू महाराज के द्वारा अमलेश्वर धाम के कथा स्थल प्रांगण पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवा ध्वज फहराया गया है। गुरु शंकर भगवान की, अमलेश्वर महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद्मम, मंत्र मूलम गुरुवाक्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हाँ सज्जनों, आज का जो पावन पर्व है महाशिवरात्रि पावन पर्व है, यह 1974 से यहाँ पुराण यज्ञ कथा प्रवचन चल रहे हैं और भंडारे होते हैं। तो आज का ये 2024 सबके लिए मंगल कामना हो, सबके लिए शुभकामना हो, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज ऐसे पावन पर्व में, महाशिवरात्रि पावन पर्व में विष्णु महायज्ञ हो रहा है और भागवत कथा चल रही है। हर इंसान के लिए सत्संग का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है और ये भारत की भारतीय संस्कृति सनातन परंपरा के आधार पर ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से सतयुग द्वापर त्रेता आदि आदि युगों से ऐसे सत्कर्म के लिए प्रेरणा दिए है जनमानव समाज को, और जनमानव समाज के लिए सत्संग का परम आवश्यकता पड़ती है। तो सत्संग यही है यज्ञ यजन भगवान का काम सत्कर्म। तो सज्जनों, यह पावन पुनीत पर्व है, आज महाशिवरात्रि पावन पर्व है, ये पूरा मेला रहेगा और रात्र तक भी रहेगा। भोलेनाथ का पूजा अभिषेक और अन्य उत्सव भी होंगे। ग्वालियर शहर की बहुड़ापुर पुलिस ने दिल्ली में पंजीकृत एक महिंद्रा जाइलो कार से 71 किलो से ज्यादा डोडा चूरा बरामद किया है। गाड़ी सहित बरामद माल की कीमत 9 लाख रुपए बताई गई है। खास बात यह है कि पुलिस को एक कार लावारिस हालत में खड़ी हुई मिली है, जबकि इसमें सवार लोग पुलिस को देखते ही गायब हो गए। बहुड़ापुर थाने पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ट्रांसपोर्ट नगर न्यू दाल बाजार में एक जाइलो गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें मादक पदार्थ भरा हुआ है। तो उक्त सूचना पर बहुड़ापुर पुलिस ने जाकर ट्रांसपोर्ट नगर के पास जाकर चेक किया तो वहां पर एक मुखबिर की सूचना के अनुसार एक जाइलो कार दिल्ली पासिंग मिली और अंदर से लॉक थी।
उसके अंदर बोरों में कुछ भरा हुआ था, तो तस्दीक करने पर उसमें डोड़ा चूरा पाया गया। तो जो डोड़ा चूरा को वेट करने पर NDPS के प्रावधानों का पालन करते हुए मौके पर वैधानिक कार्रवाई की गई और करीब 71 किलो डोड़ा चूरा बरामद किया गया। NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। डोड़ा चूरी परिवहन करने वाले बदमाशों की विरुद्ध विवेचना जारी। इंदौर पुलिस ने बैंक कर्मचारी में एक घर में हुई चोरी के मामले में खुलासा करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से डायमंड, हार, सोने के आभूषण और नकदी बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपी नशे के आदी हैं। दोनों बदमाशों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। एक फरियादी जिनका नाम तनय शर्मा है, जो बैंक एम्प्लॉय है, जो 53 क्लर्क कॉलोनी के निवासी है, उन्होंने 2 तारीख को आके थाने में बताया कि उनके घर पे चोरी की वारदात हुई है। वो अपने परिवार के साथ मंदिर गए थे, तो मंदिर से जब लौटे हैं तो उन्होंने देखा कि अपने घर में सामान अस्त व्यस्त स्थिति में पड़ा हुआ है और लकड़ी की एक अलमारी थी जो कि टूटी हुई है। उसमें से कुछ सोने और चांदी के आभूषण और कुछ नगद रुपये अज्ञात बदमाश लेके चले गए। तो इस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ, अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साइबर तकनीकी और मुखबिरों के सूत्रों से पता चला कि एक सूर्यवंशी, प्रतीक सूर्यवंशी नामक आरोपी उसमें पाया गया कि उसने घटना को वारदात दी है। जब प्रतीक सूर्यवंशी को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई, तब पता चला कि उसका एक और साथी था जिसका नाम है चेतन उर्फ छोटू चौधरी। ये निवासी है ट्रेजर टाउनशिप का। और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए दूरभाषी प्रदेश।